हे गाइस, वेलकम बैक एट यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं मैं हुंडई क्रेटा फेस शिफ्ट मॉडल 2024 के बारे में। गाड़ी की रिग्रेसिव टेस्टिंग कर रहा है हुंडई इंडिया भारतीय रोडों के ऊपर। हाल ही में इसको कोलकाता के पास टेस्टिंग के दौरान देखा गया। लोग काफ़ी सारे कयास लगा रहे हैं। स्क्रीन पे आपके सामने है इसका इंटरनेशनल मॉडल, जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इंटरनेशनली बिक रहा है। अगर आपको आप उसको एग्जिस्टिंग मॉडल से कंपेयर करोगे जो भारत में आता है, अब पाओगे काफ़ी सारे प्लेंटी ऑफ चेंजेस हैं। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि जो भारत में एक नया मॉडल आएगा इसका फेस लिफ्टेड वाला, उसके अंदर क्या चेंजेस रहेंगे, आगे जो इंटरनेशनल मार्केट आता है में गाड़ी आ रही है उससे हमें क्या मिल जाने वाला है। तो उन सारे कन्फ्यूजन्स को हम आज के वीडियो के अंदर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो बैकग्राउंड में मेरे, ये है आपका इंटरनेशनल मॉडल। इस गाड़ी के अंदर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग मॉडल के कंपेयर में काफ़ी कुछ आपको नया मिलता है, यानी कि आप कह सकते हो छोटी हुंडई टुसॉन आपको मिल गई है क्रेटा के नाम पे। मैं बात करूं भारत के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, तो प्लेंटी ऑफ चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। पहली बार आपको गाड़ी ऑफर करेगी 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगी कनेक्टेड कार फीचर्स, जो कि पहले भी आती थी बट अभी आपको ज़्यादा फीचर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या चेंज नहीं होने वाला, गाड़ी का जो अलॉय व्हील है वो चेंज नहीं होने वाला। अभी जो एग्जिस्टिंग लाइनअप ऑफ हुंडई क्रेटा के अंदर आपको अलॉय व्हील मिलता है, सेम अलॉय व्हील आपको आने वाले हुंडई क्रेटा मॉडल के अंदर मिल जाने वाला है। अब हम बात करें और क्या नया है, तो रियर साइड में आप देखोगे जो टेल लाइट्स हैं अभी एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर वो आपको कनेक्टेड लगती हैं। एक रेड कलर की लाइन गई हुई है जो दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करती है। वहीं पे जो आपका इंटरनेशनल मॉडल है जो कि भारत में लॉन्च होने वाला है जल्दी ही, उसके अंदर आपको सेपरेट टेल लाइट्स मिलेंगी, वो आपस में कनेक्टेड नहीं रहने वाली। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे फॉग लैंप को हटा दिया गया है। आपको बॉटम साइड में फॉग लैंप की जगह पे मिलेगा हाई बीम लो बीम का लाइट। इसके अलावा आपकी जो डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं हुंडई टुसॉन से इंस्पायर्ड, वो मिलेंगी आपको ग्रिल के ऊपर इंटीग्रेट होकर के, यानी कि अंधेरे में वो गाड़ी कि जब DRL जलती है बहुत अच्छी लगती है, एंड डे टाइम पे भी जब वो DRL जलेगी तो आपको एकदम हुंडई टुसॉन की फील देने वाली है। इसके अलावा फ्रंट में मिल जाएगी आपको इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स। काफ़ी लोग इसमें कह रहे हैं कि आगे आपको इनसाइड द कैबिन एंड आउटसाइड रिकॉर्डिंग करने के लिए डैश कैम मिल जाने वाला है, बट देखिए डैश कैम जो है वो 50-50 चांसेस है, उसका कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है। इवन इंटरनेशनल मॉडल को भी देखोगे आप तो वहाँ पे हर एक मॉडल में ये लोग डैश कैम ऑफर नहीं कर रहे हैं हुंडई क्रेटा के। इसके अलावा 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जैसा आपको मैंने बताया डिज़ाइन चेंज नहीं होने वाला। हाँ, इनसाइड द कैबिन इन लोगों ने काफ़ी कुछ अपहोल्स्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए काम किया है। आगे जाके बेस मॉडल से आपको मिलेगा ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, एंड जैसे जैसे आप मॉडल का जो आपका ट्रिम है उसको बढ़ाते जाओगे, SX ऑप्शनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपकी जो इनसाइड द कैबिन अपहोल्स्ट्री है वो भी आपकी इंप्रूव होती जाएगी। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाने वाला है। रियर साइड में चार्जिंग जो सॉकेट है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो हैंड रेस्ट है उसमें आपको हायर ट्रिम के अंदर आपके एयर क्लीनर का ऑप्शन मिल जाएगा। काफ़ी लोग उसको एयर परफ्यूम बोलते हैं, कुछ लोग एयर क्लीनर बोलते हैं, कई लोग उसको एयर प्यूरीफायर बोलते हैं, बट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट के ऊपर अपर ट्रिम के अंदर एयर क्लीनर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपका टच स्क्रीन अनेबल्ड रहेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें वो आपका फुली डिजिटल रहने वाला है, मल्टीपल फीचर्स को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपका 10.25 इंच का रहने वाला है, यानी कि इंफोटेनमेंट के मामले में इन लोगों ने कुछ खास काम नहीं किया है, बट हाँ आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको इन लोगों ने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया है। अगर हम बात करें गाड़ी के प्राइस की, तो गाड़ी का जो अभी एग्जिस्टिंग प्राइस है आपका एक्स शोरूम वो होता है स्टार्ट 10,87,000 रुपीज़ से एक्स शोरूम दिल्ली NCR। वहीं पर जो आपका आने वाला मॉडल है वो रहेगा आपका 11 लाख रुपीज़ से स्टार्टिंग बेस मॉडल के लिए। इसके अलावा गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो गाड़ी के अंदर आपको इनसाइड द बूट मिल जाने वाला है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन। इसके अलावा आपको मिल जाएगा 7 DCT से अनेबल्ड एक टर्बो पेट्रोल इंजन, यानी कि 3 इंजन ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। कुछ भी मैं मोटा मोटा बोलूँ आपको समरी करके इंजन के मामले में, तो देखिए बात ऐसी है आपको जो एग्जिस्टिंग लाइनअप के अंदर इंजन मिलते हैं वही कैरी फॉरवर्ड होके मिलने वाले हैं गाड़ी के अंदर आपको आने वाले हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट 2024 मॉडल के अंदर। एंड उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, केवल कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। गाड़ी को थोड़ा सा लुक को इनहेंस बना दिया गया है। ग्रिल के ऊपर इंटीग्रेट होकर मिल जाएगा DRL, अलॉय व्हील सेम है, टेल लाइट्स आपकी स्प्लिट कर दी गई है। इसके अलावा कुछ मेजर चेंजेस नहीं हैं। हाँ, आपके जो सेफ्टी फीचर्स हैं थोड़े से इंप्रूव कर दिए गए हैं, 360 कैमरा आपको दे दिया गया। इसके अलावा TPMS जैसे फंक्शंस हैं छोटे छोटे से ये सब मिल जाएंगे। एक खास बात जो मैंने स्किप कर दी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इन्हेंसमेंट गाड़ी आपको और भी ऑफर करने वाली है ADAS का फीचर, जिसको हम बोलते हैं एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस
सिस्टम ये आपको मिलेगा लेवल 2 का। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका हुंडई क्रेटा या इस सेगमेंट की गाड़ी को लेने का प्लान था तो आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट आपको इस गाड़ी का वेट करना चाहिए कुछ भी खराब से खराब हालत के अंदर बाय फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर। अभी हम लोग देखिए सितंबर में खड़े हैं, गाड़ी आपकी जो लॉन्च होने की उम्मीद है वो रहेगा फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। तब तक सब कुछ गाड़ी के बारे में रिवील हो जाने वाला है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैं खुद भी यहाँ पे पर्सनली अपडेट करता रहूँगा। तो गाड़ी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका बजट 12 से 15 लाख रुपये तक का था, 11 से 15 लाख रुपये तक का था, तो आप इस गाड़ी का वेट कर सकते हो। ये गाड़ी कॉम्पीट करती है आपकी होंडई जो क्रेटा आपका मॉडल रहेगा, कॉम्पीट करता है आपके होंडा एलिवेट के साथ में, टोयोटा अर्बन क्रूजर के साथ में। इसके अलावा ये कॉम्पीट करती है आपके किया सेल्टोस के साथ में। किया सेल्टोस इसकी नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है एंड फीचर वाइज कई मामलों में वो इसको मात देती आ रही थी, बट आगे जाके ऐसा नहीं होने वाला। मैं था आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। वो सारे फ्रेंड्स जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, बिकॉज यहाँ पे आपको मैं ऐसे ही गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आपके बारे में मन में कोई भी संशय है, कोई भी कमेंट है, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपको मैं टाइम पे इस चीज़ का रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।